सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन यानी घंटी को और पाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ जागरण में। मेरा नाम है शालिनी और अभी आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन ज्ञान। दोस्तों, सीताफल को शरीफा भी कहा जाता है। इसमें संतरे की तुलना में विटामिन सी की अधिक मात्रा पाई जाती है। इस फल का गुदा सुगंधित, मीठा और सफेद होता है। आमतौर पर यह फल ताजा रस, शरबत या पेय पदार्थ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस का एक बड़ा स्रोत है। तो आइए जानते हैं सीताफल खाने के मुख्य फायदों के बारे में। नंबर एक, बालों और त्वचा के लिए। सीताफल विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो ऊतकों के पुनर्निर्माण में सहायता करते हैं, जो कि त्वचा की चमक बनाए रखते हैं। यह कोलेजन के उत्पादन में भी सहायता करता है। यह त्वचा के लचीलेपन को बेहतर करता है और बालों को मजबूत बनाता है। नंबर दो, अस्थमा से आराम दिलाए। सीताफल में विटामिन B6 होता है, जो सूजन को कम करने वाले लाभ प्रदान करता है। यह शरीर या ब्रोंकाइल ट्यूबों के आसपास सूजन को कम करने में मदद करता है। नंबर तीन, ब्लड प्रेशर को कम रखे। उच्च रक्तचाप एक साइलेंट किलर है। सीताफल इस समस्या के लिए उपयोगी साबित होती है। इसमें केले की तुलना में पोटेशियम की उच्च सामग्री होती है। पोटेशियम से समृद्ध आहार सोडियम स्तर को संतुलित और रक्तचाप को कम करते हैं। नंबर चार, हृदय रोगों से बचाएं। आजकल के तनाव भरे जीवन से हृदय पर भार बढ़ता जा रहा है, इसलिए मैग्नीशियम दबाव के संतुलन और अधिक काम करने में सहायता करता है, ताकि मांसपेशियों को थोड़ा आराम करने में मदद मिल सके। यह दिल के दौरे और अन्य बीमारियों की संभावना को भी कम करता है। नंबर पाँच, कोलेस्ट्रॉल के लिए। इसमें मौजूद नियासिन खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर 20% तक कम करने में मदद करता है। यह अच्छे कोलेस्ट्रॉल स्तर को बढ़ाता है। नंबर छह, पाचन को बेहतर रखे। सीताफल कॉपर और फाइबर का प्रचुर स्रोत होता है, जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इससे कब्ज और आंतों की परेशानी कम हो जाती है। नंबर सात, डायबिटीज से राहत दिलाए। सीताफल रक्त शर्करा के स्तर को नियमित करने में सहायता करता है। आहार फाइबर में भरपूर होने के नाते यह टाइप 2 डायबिटीज के विकास की संभावना को कम करता है। नंबर आठ, एनीमिया के लिए। शरीर में आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। सीताफल से आपको एनीमिया को रोकने में मदद मिलती है, क्योंकि इसमें आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। नंबर नौ, कैंसर से बचाएं। एक अध्ययन से पता चला है कि सीताफल में ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो कैंसर को रोकने वाले गुण के रूप में कार्य करते हैं। इसमें एसिटोजेनिन और एल्कोनॉइड होते हैं, जो ट्यूमर कोशिकाओं के विकास को रोकते हैं। नंबर दस, प्रेगनेंसी में। सीताफल में फोलेट की उच्च मात्रा होती है, जो गर्भावस्था के स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। नंबर ग्यारह, गठिया में। अनुसंधान से पता चला है कि सीताफल के पत्तियों का काढ़ा गठिया में सहायता करता है। यह एसिड को नष्ट करके शरीर में जल संतुलन को बराबर करके दर्द को कम करता है। नंबर 12, सिर के जूं के लिए। इसे नारियल के तेल या पानी में मिलाकर पेस्ट तैयार करें, फिर इसे स्कैल्प पर लगाएं और इसे 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें, फिर अच्छे से धो लें। इससे सर में होने वाली जूं की समस्या खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल हेल्थ जागरण को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।